मिनिमम फी है 2500 रुपये पाकिस्तानी। बम ब्लास्ट ठीक, एक पाकिस्तानी रुपए 219 रुपए के बराबर है। भाई अभी खाने में है ये अंडर, सो यू नो हमने का बोला था तो ये अंडा ही बना है, देख लो अब क्या बना है। और ब्रेड है, साथ में अखरोट है और कॉफ़ी है ना, ये चीज़ें नाश्ते में। अस्सलाम वालेकुम और एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज है 24 जून, मेरा यहाँ पे है 5वां दिन और तेहरान में मेरा दूसरा दिन। मैं रात को पहुँचा था, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ होस्ट का घर और फिर आज का दिन शुरू करते हैं। बस अभी रेडी हो चुके हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, सही है ना। अंडा था, ऑमलेट टाइप बनाया था, बनाने की कोशिश की थी, ब्रेड थी और कॉफ़ी थी ना। ये रूम है, ये प्राइवेट रूम, सही है। और एक ये रूम, ये छोटा सा रूम और प्लस में सोफा सेट, फ्रिज, सामने किचन भी है जिसमें बस थोड़ा बहुत कुक किया था हमने। बस भी मैं घूमने जाने लगा हूँ, ये थोड़ा सा फ्रूट है, इसको फिनिश कर लूँ तकरीबन 12 बजने वाले हैं ना, कुछ काम था वो ख़त्म किया और बस फ्रूट खा के निकलता हूँ। निकल गया हूँ भाई हॉस्ट के घर से और अभी जाऊँगा मेट्रो के ज़रिए आज़ादी टावर में, ठीक है ना। ये छोटी छोटी छोटे छोटे फुटपाथ हैं यहाँ पे, वो स्ट्रीट है, ये देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे। ये फुटपाथ और यहाँ पे हम चल रहे हैं, सही है ना। कुछ दरख्त देखें कैसे VIP लगे हुए हैं, 12 बज गए और गर्मी काफ़ी है लेकिन दरख्तों की वजह से एहसास कम होता है। ईरान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, मैंने सुना था कि दो ही इस्लामिक रिपब्लिक हैं, एक पाकिस्तान एक ईरान, लेकिन नहीं और भी दो तीन हैं जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरेतानिया भी है जो कि वेस्ट अफ्रीका में आता है। इसका डायलिंग कोड है +98 और ये राइट साइड पे ड्राइव करते हैं, सही। इसके तकरीबन 31 प्रोविंस हैं, ईरान के 31 प्रोविंस हैं तकरीबन, मेरे होस्ट ने बताया ये मुझे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है और मैं तो मेट्रो में जाने लगा हूँ, थोड़ा सा फासला बचा है मेट्रो स्टेशन के लिए। इनका बैंकिंग सिस्टम बहुत तेज़ है ना, हम लोग तो कार्ड लगा के स्वाइप करते हैं, पिन डालते हैं, थोड़ी सी देर लगती है, ये सिर्फ कार्ड डाल के स्वाइप कर देते हैं मिनटों में ना, पता ही नहीं चलता। मैं समझता हूँ कि चाइना से भी थोड़ा सा तेज़ है इनका सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। ये है कि लोकली है, इंटरनेशनल तो नहीं है, यहाँ पर बैंकर्स काम नहीं करते, अगर कोई आता है तो सिर्फ कैश करेंसी ही लेके आएगा ना, पाकिस्तानी करेंसी आराम से चेंज हो जाती है, डॉलर्स तो हर जगह पे हो जाते हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, बस है इनकी और फारसी लिखी हुई है हर जगह पे, जिसको उर्दू आती है उसको फारसी भी आराम से आती है ना पढ़नी, समझ में भले ना आए, जैसे हम कुरान पढ़ते हैं समझ में नहीं आता पढ़ लेते हैं, ऐसे ही फारसी भी हम पढ़ लेते हैं समझ में भले नहीं आता। पहुँच गया हूँ भाई मेट्रो स्टेशन और ये बहुत गहरा मेट्रो स्टेशन है, ये आप देख रहे हैं पूरी की पूरी जो लिफ्ट उतर रही है, सही है ना, एलिवेटर है तो ऐसे दो और उतरने हैं अभी नीचे, सही है। ये पूरा आप देखें कितना बड़ा है, ऐसे दो और उतरने हैं, इतना अंडरग्राउंड है ये मेट्रो सिस्टम। ये दो लाइन है यहाँ पे, फिर ऐसे ये दे
और टिकट की तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने मुझे दे दिया था मेट्रो कार्ड, कुछ इस तरह का दिखता है मेट्रो कार्ड इनका, सही है। और उसके अलावा अभी भी एक ऐसी और उतर ली है एलिवेटर, तीन एलिवेटर तो हम लोग पहले ही क्रॉस करके आए थे, ये चौथा एलिवेटर भी अभी टिकट लेने के बाद ये चौथा एलिवेटर जो है इतनी अंडरग्राउंड है ये मेट्रो। भाई यहाँ पे लगा हुआ पानी की पानी का डिस्पेंसर लगा हुआ है, मैं बस गिलास रखा हुआ था, अभी डिस्पेंसर से ठंडा पानी मिल गया है। तेहरान में पहली दफ़ा ठंडा पानी पीने को मिला है। अभी मैं कर रहा हूँ ट्रांसफर लाइन, यहाँ पे पानी पिया, मज़ा आ गया, प्यास लगी हुई थी, मैंने डिस्पोजेबल गिलास साथ रखा हुआ था, बोतल तो अभी मेरे पास बैग नहीं है, इसकी जिप वगैरह टूट गई है तो कैसे रखा जाए ना, तो लाइन क्रॉस करके अब दूसरी तरफ आ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। यार आर्मी वाले बहुत सफ़र करते हैं ना मेट्रो में। भाई इस मेट्रो स्टेशन का नाम है मैदान आज़ादी, इसके बाहर निकले हैं टैक्सी का बड़ा स्टैंड है, और बसेस लोकल जो बसेस इंटरसिटी बसेस उसका बहुत बड़ा स्टॉप है, और यहाँ पे शेड ही शेड है ना, मतलब तकरीबन जहाँ पे आराम शेड आपको मिलेगा आराम से। ये देखें क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ पे, ये मैदान आज़ादी तो साथ में है लेकिन इसके एंट्रेंस पता नहीं कहाँ से है। मैं थोड़ी देर से चलता आ रहा हूँ, कोई एंट्रेंस ही नहीं नज़र आ रही, देखते हैं। ये देखना मैदान आज़ादी इधर है, अच्छा तो इधर से होगी कहीं से एंट्रेंस, देखते हैं। ये आ गया जी मैदान आज़ादी टावर, आज़ादी टावर या देख लें, और ये कुछ यहाँ का इलाका है। यहाँ पे पीछे पहाड़ हैं और पहाड़ों पे बर्फ़ कहीं कहीं पे गिरी हुई है, अभी बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, और बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। ये है शहीद हक्कानी मेट्रो स्टेशन, यहाँ भी कोई चीज़ है उसको विज़िट करते हैं। भाई आप लोग सामने मिसाइल देख रहे हैं, सही है ना, ये डिफेंस म्यूज़ियम है यहाँ का, और बड़ा ही प्यारा बना हुआ है यार, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट हैं और मैंने कुछ टूरिस्ट यहाँ पे चाइना से भी देखे हैं। ये बेहतरीन सा एक म्यूज़ियम, डिफेंस म्यूज़ियम, सामने पहाड़ हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये बिल्डिंग, और ये भी डिफेंस म्यूज़ियम है ना, ये रॉकेट एज पोस्टर बनाए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे यार मैं बोल नहीं सकता, यहाँ पे क्या कहते हैं ना कि कोई ना कोई देख रहा होता है, कोई पुलिस का बंदा या कोई आर्मी का बंदा, कोई ना कोई देख ही रहा होता है। ये आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, पुराने हेलीकॉप्टर्स। ये देखें जी जहाज का अंदर, सही है, ये जो लड़ाका तैयारा होता है वो, और ये बाहर से देखें जो म्यूजियम में खड़ा हुआ है, और ये म्यूज़ियम डिफेंस म्यूज़ियम, वो सामने मिसाइल रखे हुए हैं, ये तो खैर म्यूज़ियम में है, सामने पहाड़ और पहाड़ों पे बर्फ़, और मौसम बेहतरीन हो चुका है, ये सारा म्यूज़ियम है। ये बस खड़ी हुई है,
उधर गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं ना, जो शायद डिफेंस में तबाह हुई थी, उधर पेंसर वगैरह रखी हुई हैं, ये सामने जहाज़ हैं, काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त बना रखा है ना, बहुत ही बड़ा है और ज़बरदस्त है। अभी मैं जा रहा हूँ तबीयत पुल, एक ब्रिज है उसको देखने, और ये डिफेंस म्यूजियम के साथ ही है, तो बस ये पहाड़ों के अंदर से बड़ा वीआईपी सा पार्क बनाया हुआ है, जगहें बनाई हुई हैं बैठने के लिए, बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, वो है मुझे लगता है तबीयत पुल। चलो चल के देखते हैं। बारिश हो गई है तेज शुरू, तो बस मैं भी वापस निकल आया भाई। यहाँ पे ये छोटी छोटी मशीनें होती है, बस कार्ड स्वाइप करते हैं, अपना टिकट बना लेते हैं, छोटा सा क्यू आर कोड भी करते हैं, बस एक ही दफा लगाना होता है, सही एंट्री हो गई, एग्जिट आपकी उस पर नहीं लगाना होता, एग्जिट पे ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता है, जहाँ से मर्जी कर लें। और इसका मिनिमम फेयर है 2500 रुपये पाकिस्तानी, और वैसे 5000 यहाँ की हुकूमत, लेकिन अगर कार्ड से करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है 4 रुपये का ना, और कार्ड से 21 रुपये का। कार्ड लगाना ज़रूरी नहीं होता, बस ऐसे ही निकला भाई। ये था मेट्रो का सिस्टम, सिर्फ 25 रुपये लग गए थे पाकिस्तानी जाने के, कहीं भी राइड कर सकते हो पूरे तेहरान में, कहीं भी एक स्टॉप से बैठो, कहीं मर्जी उतर जाओ, सिर्फ एक ही दफ़ा एंट्री करते हो, कार्ड को टैप करना पड़ता है, अगर कार्ड नहीं है तो आपको 5000 तुमन का टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कार्ड था जो होस्ट ने दिया था, और उससे 4 रुपये कम कट रहे थे, यानी तकरीबन 21 रुपये कट रहे थे। और ये था फर्स्ट इम्प्रेशन तेहरान का, बस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। भाई अभी हम खाना बनाने लगे हैं, सही है ना, और खाने में आलू की सब्ज़ी और सफ़ेद चावल ये बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे सलाद, ठीक है। ये देखें मेरा होस्ट लगा हुआ है कटिंग करने, यू कैन कट, ये देखें ये आलू बॉयल हो रहे हैं, चावल बॉयल हो चुके हैं, और ये हो रहा है क्या, प्याज को तड़का लग रहा है, अभी भी मुझे पता चला है कि मतलब जो रियल रेट है वो कैसे चेक करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये इस वेबसाइट है बमबास्ट, ठीक है ना। बमबास्ट में क्या है कि US डॉलर का जो रेट है वो तकरीबन जो सेल कर रहे हैं, तकरीबन अब ये समझ लें कि एक US डॉलर 61,000 तुमन मिल रहा है, सही है, 61,000 समथिंग हो जाएगा ना, सही है। उसके बाद अगर पाकिस्तानी की बात करें, एक पाकिस्तानी रुपए 219 रुपये के बराबर हैं, और आज की टाइमिंग आप देख लें 8:46, ये ईरानी डेट है, ठीक है, ओके। बमबास्ट पे आप चेक कर सकते हैं, बाकी गूगल पे जो गूगल पे रेट है ना US डॉलर का पाकिस्तानी करेंसी का, वो गलत है, वो कम भी है और गलत है। ओके जी, ये या दस नौ, ये बन गया है सालन राइस, ये है सलाद, सही है ना। बस अभी खाना शुरू करते हैं और ये वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है ना भाई, सब्सक्राइब करके जाना। Yeah.